हेलो स्टूडेंट्स दिस इज जय टोशानी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्टीशन वैल्यूज़ पार्टीशन वैल्यू मीन्स मोस्टली आपको यहाँ पे क्वार्टल्स डी एंड पर्सन पूछा जाएगा क्वार्टल्स यानी क्वार्टर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वन फोर्थ पार्ट ईयर के अंदर एक ईयर के अंदर चार पार्ट आते हैं थ्री मंथ सिक्स मंथ नाइन मंथ ट्वेल्थ मंथ सो फोर टाइप्स के क्वार्टर्स हो गए उसके बाद आता है डी सेल्स डी सेल्स यानी कि डेकेड डेकेड मतलब दायका दस साल जो हर दस साल पे हम कैलकुलेशन करते हैं ना पॉपुलेशन काउंटिंग होता है पोवर्टी कितना है टोटल नेशनल इनकम कितना है वो सब वो कैलकुलेट करने के लिए डी सेल्स काम आता है उसके बाद आता है पर्सेंटाइल्स पर्सेंटाइज यानी कि परसेंटेज परसेंटेज ऑब्वियसली हंड्रेड में होते हैं तो वन अपॉन हंड्रेड का फॉर्मुला यूज़ किया जाता है ओके सो कैलकुलेट क्यू वन डी फोर पी ट्वेंटी सिक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा सो so, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है Q1, D4 फोर एंड पी सबसे पहले जो भी डेटा है ना ये फर्स्ट मेथड है यानी कि इंडिविजुअल डेटा आपको दिया गया है ओके okay, सबसे पहले हमें क्या करना है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है तो हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है तो सबसे पहले देखना है सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है नंबर कौन सा है सो so, यहाँ पे फोर हो गया फोर

28 है सो so ट्वेंटी 29, 45 एंड 49. फाइव so, सो कोई भी सम हो सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे असेंडिंग यानी कि चढ़ते क्रम में हम सीरियल नंबर वाइज अरेंज करेंगे जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वैसे ओके इसके बाद हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्यू वन सो क्यू वन यानी कि क्वार्टाइल्स वन तो क्यू वन का फॉर्मूला कुछ इस तरह है साइज ऑफ एन प्लस क्वार्टल्स चार पार्टी में डिवाइड होते हैं यानी कि वन फोर्थ वन फोर्थ ऑब्जर्वेशन ओके क्यू वन इज इक्वल टू साइज़ ऑफ एन प्लस वन फोर्थ ऑब्जर्वेशन अब क्यू वन का साइज कितना है देखो क्यू वन तो साइज़ भी ऑब्वियसली वन है तो, तो, तो यहाँ पे वन हो जाएगा नंबर्स कितने दिए तो हमें ये काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सो टोटल नंबर हो गए फिफ्टीन प्लस वन अपन फोर्थ ऑब्जर्वेशन सो so, यहाँ पे वन फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन अपन फोर्थ ऑब्जर्वेशन सो यहाँ पे फोर फोरजा सिक्सटीन सो so यहाँ पे आएगा वन फोर्थ ऑब्जर्वेशन एंड फोर वन जा करेंगे सो फोर्थ ऑब्जर्वेशन अब हमारे असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ नाइन सो क्यू वन इज इक्वल टू नाइन हमारा आंसर आ जाएगा क्यू वन इज इक्वल टू नाइन ओके okay, ये हमारा हो गया क्वार्टाइल्स अब हम कैलकुलेट करें कि डी फोर यानी कि डी सेल्स डी सेल्स यानी कि डैकेट डाइका डी फोर इज इक्वल टू साइज ऑफ सेम ब्रैकेट में वापस हम लिखेंगे एन प्लस वन अपॉन अभी डेकेड टेन में होता है ना दस साल तो टेंथ ऑब्जर्वेशन ओके सो यहाँ पे साइज ऑफ डी फोर का फोर है सो so मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर नंबर्स हमें ऑलरेडी पता चल चुका है फिफ्टीन है फिफ्टीन प्लस वन अपॉन टेंथ ऑब्जर्वेशन ओके फोर फिफ्टीन प्लस वन होता है सिक्सटीन सिक्सटीन अपॉन टेंथ ऑब्जर्वेशन ओके अभी क्या होगा हम 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आंसर आएगा सो so, बेटर है कि पहले इसको डिवाइड मल्टीप्लाई uh, कर लेते हैं 16 इंटू फोर करोगे तो 64 आएगा तो so, 64 फोर अपॉन टेंथ ऑब्जर्वेशन अब यहाँ पे करेंगे तो पॉइंट है पॉइंट uh, नहीं है तो जीरो करेंगे तो सिक्स पॉइंट फोर आ जाएगा सिक्स पॉइंट फोर्थ ऑब्जर्वेशन एक डेसिमल के पहले एक ले लेने का पॉइंट के आगे हो जाएगा सो सिक्स पॉइंट फोर्थ ऑब्जर्वेशन हुआ अब जब भी पॉइंट में आंसर रहता है ना तो कैलकुलेशन और आगे जाएगा जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं सो so, यहाँ पे हमारा आंसर आया है सिक्स पॉइंट फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो जब भी पॉइंट में आंसर आएगा ना तो कैलकुलेशन और आगे बढ़े तो कैसे होगा d4 फोर इज इक्वल टू अभी ये 6.4 पॉइंट फोर एक्चुअली कहाँ पर आता है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इसके और इसके बीच में आने वाला है इसके और इसके बीच में आने वाला है तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले ये जो हमारा आंसर होता है ना उसको अलग करना है सेपरेट करना है सिक्स ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट फोर है ना मतलब ज़ीरो पॉइंट फोर अभी ये कहाँ पे आ रहा है तो सेवन्थ और सिक्स के बीच में आ रहा है ना सिक्स पॉइंट फोर तो सेवन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस सिक्स ऑब्जर्वेशन ओके सो अभी सिक्स ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हो जाती है ट्वेल्व यहाँ पे प्लस जीरो पॉइंट फोर सेवन ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आप चेक करोगे तो है सिक्सटीन तो सिक्सटीन और सिक्स का वापस ट्वेल्व सो कैलकुलेशन में कुछ इस तरह होगा ट्वेल्व प्लस जीरो पॉइंट फोर सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व करोगे तो फोर आएगा अब फोर फोर ज़्यादा सिक्सटीन बट पॉइंट में है तो वन पॉइंट सिक्स तो ट्वेल्व प्लस वन पॉइंट सिक्स सो so आंसर होएगा हमारा थर्टीन पॉइंट सिक्स ये फाइनल आंसर हो जाएगा सो so आपका है डी फोर इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट सिक्स आंसर हो गया थर्टीन पॉइंट सिक्स अब इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे पी ट्वेंटी सिक्स पी ट्वेंटी सिक्स यानी कि परसेंटाइल्स ट्वेंटी सिक्स ओके सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पी ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है इंडिविजुअल डेटा का तो साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन हंड्रेड ऑब्जर्वेशन परसेंटाइज हंड्रेड में होते हैं ना सो के अंदर होके सो हंड्रेड ऑब्जर्वेशन ओके अब आगे कैसे करेंगे तो साइज ऑफ कितना हो गया ट्वेंटी सिक्स हो गया नंबर हमें पता है पंद्रह है पंद्रह डिजिट हंड्रेड ऑब्जर्वेशन ओके सो ट्वेंटी सिक्स फिफ्टीन प्लस वन करेंगे तो सिक्सटीन अपॉन हंड्रेड ऑब्जर्वेशन आएगा ओके okay, अभी इसका कैलकुलेशन करना है अब हम देखते हैं कि 26 इंटू सोलह है तो 26 सिक्स इंटू सिक्सटीन करेंगे हम सो so आंसर आएगा 416 इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 416 वन सिक्स अपॉन हंड्रेड ऑब्जर्वेशन अब देखो दो ज़ीरो हैं इधर हम ले लेंगे पॉइंट तो आंसर आ जाएगा हमारा फोर पॉइंट सिक्सटीनथ ऑब्जर्वेशन अब ये जो फोर पॉइंट सिक्सटीन ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ पर आएगा तो चार और पाँच के बीच में एक दो तीन चार पाँच यानी कि नौ और दस के बीच में आने वाला है सो so, हम इस तरह लिखेंगे P26 ट्वेंटी सिक्स इज़ इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस ज़ीरो पॉइंट सिक्सटीन यहाँ पर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन ओके सो हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होती है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है नाइन और उसके बाद दस है फिफ्थ की सो so, यहाँ पे नाइन हो जाएगा प्लस ज़ीरो पॉइंट सिक्सटीन टेन माइनस नाइन नाइन प्लस ज़ीरो पॉइंट सिक्सटीन यहाँ पर वन अब क्या होता है नाइन को ऐसे ही करने का प्लस वन को जीरो पॉइंट सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो पॉइंट सिक्सटीन ही आने वाला है ओके okay, सो so, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइन पॉइंट सिक्सटीन सो हमारा पी ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू नाइन पॉइंट सिक्सटीन सो so, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स uh, है सिंपल सम है इंडिविजुअल डेटा आएगा मतलब आपको सिंपली सॉल्व कर देना है खाली साइज़ ऑफ एन प्लस वन फोर्थ डी साइल है तो एन प्लस वन अपॉन टेंथ ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटाइल से तो एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन हंड्रेड ऑब्जर्वेशन आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हो थैंक यू सो मच और एक हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड सम सेकेंड वीडियो के अंदर